రైట్. కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్ లో చూద్దాం. వాలంటీర్స్ ఆర్ ఎన్జిఓ నెట్వర్క్స్ కి సహాయతా లే కేంద్రీయ ఆర్ రాజ్య సర్కార్ జో రిలీఫ్ కేలే ఉన్కేలే బాకీ కదమ్ ఉఠా రహీ హై ఉస్కే బారే మే భీ ఉన్ తక్ జానకారీ పహుంచాయే. గృహ మంత్రాలయ నే ఆజ్ నే స్టేట్స్ ఆర్ యూటీస్ కో స్టేట్ డిజాస్టర్ రిస్పాండ్ ఫండ్ కో భీ రిలీఫ్ మెజర్స్ కేలే ఉపయోగ్ కర్నే కా ఆగ్రహ కియా హై. జో భీ అలోకేషన్ ఇస్ వర్ష్ మే హై ఇస్కే అలావా ఆగామీ వర్ష్ మే స్టేట్ డిజాస్టర్ రిస్పాండ్ ఫండ్ కా అలోకేషన్ లగ్భగ్ 29,000 కరోడ్ హై. ఇస్లే స్టేట్స్ కే పాస్ రిలీఫ్ మెజర్స్ కేలే పర్యాప్త ఫండ్స్ హై. ఇన్ సబ్ మెజర్స్ కే సాథ్ హమే విశ్వాస్ హై కి స్టేట్స్ ఆర్ యూటీస్ కో మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ ఆర్ హోమ్లెస్ కేలే సువిధా సునిశ్చిత్ కర్నే మే మదద్ మిలేగీ. ధన్యవాద్. సబ్సే పహలే హమ్ ఆన్లైన్ క్వశ్చన్ లేతే హై లాక్డౌన్ కే బారే మే. టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ హ్యాస్ ద లాక్డౌన్ మెజర్స్ హెల్ప్డ్ ఇన్ అరెస్టింగ్ ది ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ వైరస్ టిల్ నౌ? See, whatever measures we have initiated, obviously from moment one or day one, you cannot expect all the results to come. It will be a process. We are aware that once we ensure 100% implementation of lockdown, in next few days we'll see the results of this coming. And social distancing measures, respiratory hygiene, environmental hygiene, as well as hand hygiene, these are very important components in terms of managing any infectious disease. Lockdown is an approach towards ensuring that these measures get implemented properly. We interact with community in a manner that we can break the chain of transmission. Friends, now we can take some questions here. Number 19. Sir, dekhne mein aaya ki kai rajyon se alag alag jagahon se zaruri khan paan ki jo cheez hai wo mehangi ho gayi hai, is tarah ki shikayat aa rahi hai, usko lekar kya kar rahe hain? स्टेट्स और यूटीज़ इस स्थिति को मॉनिटर कर रही हैं. हम लोग भी इस स्थिति को मॉनिटर करते हुए जहाँ जहाँ हमें समस्या के बारे में पता चल रहा है हम टेकअप कर रहे हैं जो उनके नोडल ऑफिसर्स हैं उनके साथ. आई थिंक एवरी वन इज़ अवेयर अबाउट द चैलेंजेस एंड दे आर ट्राइंग हार्ड टू कंटेन इट. और इसीलिए होम मिनिस्ट्री ने कार्गो मूवमेंट, इंटर स्टेट कार्गो मूवमेंट को पूरी तरह से अलाउ कर दिया है जिससे कि कार्गो मूवमेंट की वजह से कोई भी समस्या ना आए. 44. पहला सवाल मेरा ये है कि कोविड 19 के लिए जो स्पेसिफिक हॉस्पिटल बनाए जाने थे स्टेट्स में, अभी तक कितनों ने कहा है कि हम बना रहे हैं? और सर दूसरा सवाल ये है कि क्या कम्युनिटी ट्रांसमिशन का जो इशू है उसमें कोई नई बात सामने आई है या क्या अभी तक स्थिति है? देखिए, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि हमारा एक मेजर फोकस है कि हम स्टेट से रिक्वेस्ट करें कि कोविड 19 से रिलेटेड डेडिकेटेड हॉस्पिटल या डेडिकेटेड ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए जाएं और उसके तहत हम कंटिन्यूस कम्युनिकेशन में स्टेट्स के साथ एंगेज्ड हैं. काफ़ी स्टेट्स इसके बारे में रिक्वायर्ड एक्शन शुरू कर चुकी हैं. दो दिन पहले मैंने आपको बताया था 17 स्टेट्स हैं. अब आपको ये कहना चाहूँगा कि हम प्रोग्रेसिवली स्टेट से बात कर रहे हैं और स्टेट्स इसके हिसाब से अपनी जो अवेयरनेस, जो प्रिपेयरनेस है उसको बढ़ाती जा रही है. और इसके साथ ही जो ये डेडिकेटेड ब्लॉक्स के साथ ही स्टेट्स ने जो उनके और आइडेंटिफाइड इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर भी आइसोलेशन ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं. हमारा पूरा जो एफर्ट है वो एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स है कि जैसे जैसे सिचुएशन देश के सामने इवॉल्व होती है हम उसको पहले से एंटिसिपेट करके उसके हिसाब से तैयार रहें. एंड टू दैट एक्सटेंट जो हमारी रिक्वायरमेंट हमें लगती है कि हमारी होनी चाहिए उसके लिए पूरे एफर्ट्स किए जा रहे हैं. आई थिंक कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बारे में और भी क्वेश्चंस हैं. ऑनलाइन क्वेश्चन ले लेते हैं पहले. व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ सर्विलांस दैट ICMR स्टार्टेड फॉर फाइंडिंग कम्युनिटी ट्रांसमिशन? व्हाट आर द लेटेस्ट फिगर्स? हाउ मेनी रैंडम सैंपल्स हैव बीन टेस्टेड सो फार अलॉन्ग विद देयर रिजल्ट्स? आई थिंक दे कंप्लीट इन एवरीथिंग. डॉक्टर, नहीं, जैसा मैंने पहले बताया, पहले दिन हमने वो जिसको आप रैंडम सैंपल बोल रहे हैं सारी पेशेंट्स के सैंपल्स लेके देखने की शुरुआत की थी. उस वक्त कोई भी पेशेंट उसको कोविड 19 हुआ ऐसे हमको तकरीबन 824 या ऐसे कुछ फिगर थी उसमें नहीं दिखा था. लेकिन नेक्स्ट डे से हमने टेस्टिंग गाइडलाइन ये एज अ प्रिकॉशन बदल डाली. जो भी सारी के पेशेंट्स हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के, जो कोई भी दवा खाने में भर्ती होते हैं
उनकी जांच करने के लिए हमने ये टेस्ट देने के लिए करके अप्रूवल दिया था, वो टेस्टिंग अभी रेगुलरली हो रहा है, तो अभी सर्वेलेंस वगैरह करने की कोई ज़रूरी नहीं है। 36 सर, अभी तक जो 19 डेथ हुई हैं उसमें अंडरलाइंग कोमॉर्बिडिटी कंडीशंस क्या हैं, और क्या डायबिटीज़ एक अंडरलाइंग फैक्टर है जो 19 डेथ रिपोर्ट हुई हैं उसमें? देखिए, जैसे मैंने इससे पहले भी कहा है कि कोमॉर्बिड कंडीशंस एक मेजर फैक्टर है, पर्टिकुलरली जितने भी हमारे पास केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और उसमें इससे पहले भी बताया जा चुका है कार्डियक कंडीशन, हाइपरटेंशन, अस्थमा और डायबिटीज़, ये उनको केसेज में जिसमें इवन किडनी से रिलेटेड इशूज़ भी कई केसेज में पाए गए हैं जिसमें हमें डेथ केसेस रिपोर्ट हुए हैं। देखिए, एज प्रोफाइल ये आप किसी भी इस्टेब्लिश्ड, इवन जो हमारे रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं वर्ल्ड ओवर भी आ रही हैं, एल्डरली पीपल आर एट ए हायर रिस्क, दिस इज व्हाट हैज बीन फाउंड। 82 सर, टू मिस्टर गंगाखेड़कर, जो रैंडम सैम्पलिंग की बात करी सर आपने, 14th को आपने बताया था, उसके बाद 16th को 826 का फिगर लेकर आए थे, अभी तक कितनी रैंडम सैम्पलिंग की गई है और उस टेस्ट का क्या परिणाम सामने आया है? मोरओवर सर, एक और चीज़, 118 लैब्स अब आप बता रहे हैं ICMR कर रही है, और प्लस 16,000 का चेन भी हमारे पास, वाई दी नंबर ऑफ टेस्टिंग जो ICMR पे आ रहा है उसमें कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज हमें नहीं दिखता है? पहली बात तो, पहला जो सवाल है शायद मैंने पहले ही जवाब दे दिया, रैंडम सैम्पलिंग अभी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर सारी की सिंड्रोम की जो केस भर्ती होती है दवाखाने में उसकी टेस्ट करने का इंडिकेशन हमने ऑलरेडी दे दिए हैं, तो उसको अलग से